सर भी हैं और सेंसर बोर्ड के मेंबर भी। हाँ। ये गाने का जो म्यूजिक कंपोज किया है अबूजर रिजवी जी ने किया है, इनके साथ हमने दो तीन फिल्में की है, लिटिल बॉय मूवी में भी इन्होंने एक गाना दिया था, हिट गाना है मुरादों से, नज़मा मैम है इन्होंने मेकअप किया है, आइए मैम। और इसके जो तीन यंग जो पिलर्स हैं वो लोग आए नहीं है, एक मेरा बेटा है करण हेनरी जो मेरे साथ डायरेक्शन किया है, इसके जो डी ओ पी है नेहाल शाह है डी ओ पी एंड एडिटर, और जो मेकिंग किया है वो राहुल करके एक लड़का उसने किया। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा फिर आप सवाल करिए अपना, यहाँ के जितने लोग हैं सब लो से स्टार्ट हुए हैं। फिराज हेनरी एक फोटोग्राफर और एक डिजाइनर के रूप में जाने जाते थे, आज भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक फिल्म मेकर भी, कई फिल्में टोन ही बनाई है, लिटिल बॉय बनाई है और भी कई फिल्में बनाई हैं और अभी भी बनाते जा रहे हैं। वैसे ही रेविका जी हैं, सब लोग डाउन टू अर्थ शुरुआत अपने छोटे लेवल से किए हैं, धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते चले गए हैं और आज कम से कम सिराज हेनरी और रेविका जी तो नाम के मोहताज नहीं रह गए हैं, सभी लोग जानते हैं। अब आपके सवाल जी। नमस्ते, मेरा नाम मलिना तुतेजा है, मैं बॉलीवुड एंड टीवी एक्ट्रेस हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, टीवी होस्ट भी हूँ। अलीना, हाउ वाज एक्सपीरियंस बीइंग पार्ट ऑफ द एल्बम एंड व्हाट अबाउट एनके नागा हु हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग एंड बीइंग अ कोस्टार ऑफ योर एल्बम? इट वाज रियली अ वेरी नाइस लवली एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छे पीपल है, मज़ा आ गया शूट पे, मतलब काम नहीं लग रहा था, वी वर जस्ट एंजॉयिंग डूइंग दिस म्यूजिक एल्बम। एंड एन के इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, टैलेंटेड भी है, हम्बल भी है, वेरी डिसेंट पर्सन है, तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। और गाना भी बहुत अच्छा है, ब्यूटिफुल सॉन्ग है जो हमने बहुत प्यार से बनाया, आई होप आपको अच्छा लगेगा। What about the producer of the album, Rebecca ma'am, and about the director Shiraz sir, how was that film being part of? रिबेका मैम भी बहुत अच्छी है, एक्चुअली मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि नागालैंड पीपल से काम करने का, एंड आई रियली एंजॉय इट, आई थिंक दे आर अमेजिंग पीपल। शिराज सर भी बहुत टैलेंटेड है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे बात अच्छी लगी कि बहुत मतलब फटाफट हो गया सब, इट वॉज सो, मेरी लाइफ में शायद पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि शूट करने के बाद दो दिन बाद हमारा गाना रेडी हो गया, सो दैट वाज वाओ। संगीतकार अबू जी के बारे में क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल म्यूजिक, आपने तो सुना ही है, तो आई थिंक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। थैंक्स। एंड वन मोर थिंग, आई मीन म्यूजिक एल्बम बहुत क्रेज कर रहा है अभी, नूरा को देखिए इतना ज्यादा उन्होंने यू नो फेम एक्वायर किया है, तो कितना क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा करियर ऑप्शन हो गया है आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक एल्बम्स? I think nowadays it's like the easiest way to get popular fast, really fast. मतलब अगर आपने आपको लॉन्च करना है तो अच्छे लेवल का म्यूजिक वीडियो पकड़ के बहुत अपना करियर फटाफट बूस्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक्ट्रेस हूँ, एंड माई एम इज़ मूवीज, मैं मूवीज़ में काम करती हूँ, तो मेरे लिए ये भी अच्छा ऑप्शन है, बट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए मेरा जो काम है मूवीज सीरियल्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अदरवाइज या आई लाइक नोरा, शी इज़ अ वंडरफुल डांसर, एंड उसका जो लास्ट सॉन्ग है आई रियली लव इट। थैंक यू। तो एक पहलवानों जैसी लगती है, तो म्यूजिक में कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ और कैसे शुरुआत हुई आपकी? म्यूजिक इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, सो आई एम जस्ट हियर टू यूटिलाइज द म्यूजिक एंड देन just to show the world and to express my love through the music, and it's a, I should say it's a born talent. Interest kaise hua aapko, aapne kya kya aapki journey kya rahi? I started singing at the age of 9, 9 saal se gana shuru kiya, tabhi se abhi tak aisa hi chala hai, and then singing was like something different for me, like it gives me power, it gives me smile, it gives me happiness, and then it's a part of my life. Aapke achievements kya kya the jab aapne shuruaat ki, aapne aaj itne kitne saal ki journey ho gayi aapki? Actually it's been 21 years I've been singing,
and I've failed many times, but despite I won a couple of times in a notice show, and then I received one national award, and again one of my song, the call How's the Josh, Fauji Hai, it's been playing on the first retired Major K. Coach serial. It's telecasting on DD National TV as a background music, and then here today for to. क्या आप दो लाइन सुना सकते हैं अपने उस गाने का How's the Josh? फौज है भारत माता की फौज है अपने देश का फौज है किसी से भी वो कम नहीं देश की शान है सरहद पर रहकर अपने वतन की रक्षा करते फौज आते हैं लेटेस्ट कैसे जीऊं पर कैसे जीऊं का सॉन्ग एक रोमांटिक गाना है इसे आप जरा दो लाइन सुना के बताइए तो फिर और को सवाल किया जाए आपसे कैसे जीऊं तेरे बिना कैसे जीऊं तेरे बिना कैसे जीऊं अखिलेश आप चलिए हूँ अबूजा रिज़वी बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर और मैं बताना चाहूँगा कि शिराज जी के साथ और रिबेका मैम के साथ कई प्रोजेक्ट्स से पहले कर चुका मैं फिल्म भी कर चुका कई और अब की जो है रिबेका मैम ने पहले फ़ोन किया और कहने लगी देखो अब की सरप्राइज से मैं देना चाह रही हूँ मैं तुमको आती हूँ तो बात करूँगी फिर आई तो उन्होंने बताया इस तरह से एक एल्बम करना है और ये नागालैंड का एक सिंगर है जो इस वक्त इसको सुन लो और काफ़ी नाम हो रहा है इसका तो सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो इसके साथ ये गाना हम लोगों ने प्लान किया और इसको अच्छे से रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि नहीं ही इज़ रियली वेरी टैलेंटेड सिंगर और बल्कि मैं ये बोलूँगा कि बॉलीवुड में पहली बार एंट्री है इनकी और बहुत अच्छी तरह से एंट्री मैडम ने किया है और आने वाले दिनों में मैं कहना चाहूँगा कि शायद नॉर्थ ईस्ट से एक नए सुर का उदय हो रहा है सिंगिंग तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक देना कितना ज़्यादा आपको लगता है चुनौतीपूर्ण आता है अगर कहीं कभी अलग प्लेटफॉर्म होता है बॉलीवुड म्यूजिक के कंपेरिज में नहीं म्यूज़िक तो देखिए क्या है म्यूज़िक तो मैं पिछले दो दशक से दे ही रहा हूँ और इसके अलावा जो है वो देख बाय देख और आपका गुंजा और कई फिल्में कर चुका हूँ मैं एनएफबीसी हॉलीवुड मूवीज़ कई कर चुका हूँ तो इंडिपेंडेंट ही दे रहा हूँ तो मज़ा आता है बहुत बढ़िया लगता है और जब आप काम करने के बाद जब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये रिज़ल्ट आया और लोग आप लोग पसंद करते हैं तो फिर मज़ा जो आता है वो एक अलग बात होती है समथिंग अबाउट एल्बम यू हैव प्रोड्यूस कैसे जीऊं और अबाउट एनके नागा जो सिंगर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं इस एल्बम में क्या करना चाहेंगे जी वेल माय नेम इज रिबेका जंगेजा सेमा आई एम श्योर यू ऑल विल नो बाय नाउ दैट आई एम फ्रॉम नागालैंड और ब्रदर एनके नागा इज आल्सो फ्रॉम नागालैंड एक्चुअली बहुत ही रेयर है जो हम लोग का जगह से यू नो कोई खुद गाना भी लिखते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट ही कैन सिंग यू नो 25 टू 26 डिफरेंट लैंग्वेजेस सो दैट्स एक्चुअली वेरी रेयर जब उनका बारे में सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा टैलेंट को आगे नहीं लाने से वही पे पीछे यू नो पीछे रह जाएगा सो दैट वॉज यू नो कंसर्न तो वट एवर लिटल वी नो आई थिंक मुझे लगा कि इसको यहाँ पर बुला के इसका टैलेंट को दिखाना चाहिए सो दैट आगे जाके यू नो हम लोग सबको अच्छा और कंट्रीब्यूट करें नाइस सॉन्ग एंड सबके अपने अपने कैरियर है तो बहुत सारी उम्मीद ही है बिकॉज बैक होम ऑल्सो बहुत लोग ने अप्रिशिएट किया और इनका रिसेंटली जो अभी गाना यू नो एक वीडियो सॉन्ग जो वायरल हुआ है उसके बाद तो और बहुत एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है तो काम करके ऐसा लगा कि यार इसमें बहुत सारा यू नो पोटेंशियल है और बहुत कुछ करेगा ये भाई एंड व्हाट अबाउट अलीना बीइंग द कास्ट ऑफ द एल्बम एंड व्हाट सिराज सर हु डायरेक्टेड द एल्बम
See, Alina, she's a surprise package, obviously, because it was very, you know, we've been working with many models and actress, you know, since over a decade now. But then to connect with, you know, good artists is very, very important, and she's one of the person. तो मुझे उसके साथ काम करके बहुत 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 अच्छी एक्सपीरियंस थी. शिराज सर के बाद तो उसकी तो क्या बोलना, बिकॉज वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर. दे वांट्स एक, यू नो, कैमरा पकड़, यू नो, पकड़ के चलना, उसकी उंगली पकड़ के चलना, तो एक ही साथ शुरू हुई. तो आप लोग को भी पता है वो चीज़, अरुण जी को भी पता है. सो दिस वॉज एक्चुअली वन थिंग गुड अबाउट शिराज, ही लव आवर पीपल, ही लव नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नागालैंड. ही हैज़ बीन टू नागालैंड मेनी अ टाइम. तो एनी टाइम कभी भी मैं उनको नागालैंड के बारे में बताऊँ या उनके यू नो वहाँ का जो यंगस्टर्स टैलेंट के बारे में बताऊँ, ही इज़ मोर देन वेलकम टू, यू नो, कम फॉरवर्ड. कोई नहीं करता इतना, यू नो, आउट ऑफ वे जाके अपना कम्फर्ट जोन सेक्रीफाइस करके इतना प्यार देना, ये कोई और नहीं, शिराज हेनरी ही कर सकता है. सो वर्किंग फ्रंट में तो मेरे हिसाब से आप लोग को भी एग्री होना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा कोई नहीं हो सकता. रेविका जी, दो सवाल आपसे. जी, पहली बात तो आज अब इस एल्बम के जरिए जो नए दर्शक आपके साथ जुड़ेंगे, उनके बाद उनको कुछ अपने पिछले सफ़र के बारे में बताइए, क्या क्या फिल्में बनाई हैं आप? जी, हम लोग ने 2011 से शुरू किए थे प्रोडक्शन में. तो हम लोग ने अभी तक पाँच, यू नो, 5 to 6 कमर्शियल फिल्म्स बनाई है, लाइक टीएमओ से लेके अभी तक रिसेंटली हम लोग का रिलीज़ हुई है लिटिल बॉय. तो ज़्यादातर मैं टारगेट करती हूँ क्योंकि यू नो नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक जगह है इंडिया में, ज़्यादातर बहुत लोगों को पता नहीं है. सो मैं टारगेट करती हूँ कि ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, आई मीन, कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट वहाँ से ला के हम लोग एसोसिएट करें, वहाँ जाके शूट करें. क्योंकि आई एम श्योर आप लोग को भी पता होगा कि वहाँ का यू नो द लोकेशन कितनी सुंदर है. सो जितना भी मूवीज़ बनाई उसमें से 60% शूट नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ है. सो आर्टिस्ट से लेके लोकेशन से लेके, तो ये जर्नी एक्चुअली हैज़ अ फैशन डिज़ाइनर शिराज जी के साथ में ही स्टार्ट किया था. तब शिराज जी ही वॉज अ फोटोग्राफर दैट टाइम, यू नो, छोटे से एक बैग लेके, कैमरा लेके उनके पीछे पीछे घूमती थी मैं. सो जब लिटिल बॉय से लेके टीएमओ से लेके लिटिल बॉय तक हम लोग अभी 2 to 3 पिक्चर्स रिलीज हो चुकी है और बाकी का 3 अनदर मूवी अभी OTT प्लेटफॉर्म में आने वाला है बहुत ही जल्द. सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वंस अगेन. मुंबई महाराष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है जो भी है ना लाइफ में, नेम, फेम, यू नो, व्हाटएवर लिटिल आई हैव आई गॉट इट फ्रॉम महाराष्ट्र. एक आखिरी चुपता हुआ सवाल है, आज से 2 दशक पहले नागालैंड या सिक्किम या वहाँ से कोई आता था, खास करके लड़कियाँ, तो उन्हें लोग कहते थे कि ये बाहर के लोग आए हैं, अजनबी है यहाँ पर. अब धीरे धीरे पहचान मिल रही, कैसा लग रहा है फील आपको? नहीं, ऐसा तो फीलिंग तो पहले जैसा था अभी भी ऐसा है. मुझे लगता है कि अभी बहुत लोगों का सोच में थोड़ा सा फ़र्क आया है क्योंकि थोड़ा सा यू नो माइंड ओपन माइंडेड होने लग गया है लोगों को अभी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इग्नोरेंस. उन लोग ज़्यादातर 90% लोग तो मेरे हिसाब से उन लोग का भी महाराष्ट्र के बाहर ही नहीं किया. यू आस देम अबाउट आउटसाइड दे विल नो, बट नॉर्थ ईस्ट तरफ नहीं किया है. तो अभी मुझे लगता है कि उन लोग को थोड़ा बहुत, हम लोग के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. फॉर देम देर वॉज अ टाइम आई यूज़ टू फील फनी, बट अभी मैं एजुकेट करती हूँ उन लोगों को कि एक इंडिया मैप बना के मैं उन लोगों को समझाता हूँ, ये यहाँ पे जो समोसा टाइप का है ना, यही नॉर्थ ईस्ट है. तो जैसे आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग को जो चाय के साथ समोसा मिलेगा, आप लोग सोच लीजिएगा कि वो नॉर्थ ईस्ट है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. आप वैसे ही पहले भी जो प्रोजेक्ट किए हैं काफ़ी अच्छा शूट करते हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल आपका? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब रेबेका ने बताया कि एन के नागा इज द सिंगर फ्रॉम नागालैंड वो आ रहे हैं, उसके पहले मैंने अभी कुछ एक हफ्ते पहले मैंने उनका एक गाना देखा था, जो उन्होंने किशोर कुमार का एक गाना है बहुत पुराना जो बंगाली उसमें गाया, आप भी सब देखे, बहुत कमाल का गाया, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि किशोर कुमार गाने नहीं गाया है. तो मैं आई वॉज सरप्राइज कि ये बंदा आने वाला है, उसके हिंदी का, बिकॉज एक नॉर्थ ईस्ट का एक एक्सेंट होता है, एक बोलने का तरीका होता है. फिर बाद में जब वो आया तो मैं सरप्राइज हो गया, आप मानेंगे नहीं, वो मराठी में भी गाता है, वो ऐसे 20-25 लैंग्वेज में गाता है, भोजपुरी में गाता है. तो ही वॉज लाइक एंटरटेनिंग मी फॉर लास्ट 6-7 डेज. फिर हमने क्या किया, हमने 5 गाने इनके रिकॉर्ड किए, उसमें से ये गाना जो है कैसे जीऊँ, ये एक गाना हमने पिक्चराइज किया है, क्योंकि जो बाकी 4 गाने शायद वो मूवी में यूज़ होंगे या कोई पर्टिकुलर चैनल के लिए यूज़ होंगे.
एलिना के भी जाना चाहूँगा कि उनको भी बहुत ग्लैमरस तरीके से लेकिन बहुत सिंपल वे में दिखाया आपने, उसके बारे में बताइए कैसा क्या जी। एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये इनके नागा का एक डिफरेंट लुक है, एक मंगोलियन लुक है, नॉर्थ ईस्ट का लुक है, तो उसके साथ हम लोग सोचे कि अगर हम इंडियन लड़की लेंगे वो तो उसमें मैच नहीं करेगा, तो हमने एक प्रीफर किया एक फॉरेनर को, और वो भी एक सरप्राइज़ था बिकॉज उनकी हिंदी अच्छी, इतनी अच्छी है कि जब उनसे फ़ोन में बात करे तो वो हिंदी में बात कर रही थी, तो ये पूरा देखा जाता है टोटल हर चीज़ में सरप्राइज भरा हुआ था। चलिए, लेकिन पहले भी रवि का जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया है आपका, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत क्लासी सोचते हैं, क्रिएटिव विजन के बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा क्रिएटिव विजन मानते हैं जी। देखिए, मैंने जब पहली मूवी स्टार्ट की थी बियॉन्ड द थर्ड काइंड, वो एक ट्रांसजेंडर के ऊपर थी, तो वो सबसे फर्स्ट मूवी 2012 में हमने स्टार्ट की थी और उसको थाईलैंड पटाया में शूट किया था, जहाँ पे एक लड़का जो है वो ऑपरेशन करके लड़की बनता है। इट वाज अ वेरी डिफरेंट रियलिस्टिक सब्जेक्ट। और अब मेरी जितनी मूवीज़ मैंने जो डायरेक्ट किया, मोस्टली मोस्ट ऑफ द मूवीज़ आर रियल, लाइक ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर है। उसके बाद हमने की थी द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी, जो काला जादू टोना करते हैं छत्तीसगढ़ में, और औरतों को हर साल 50 से 60 औरतों को मार दिया जाता है ब्रूटली कि ये डायन है, ये विच क्राफ्ट करती है। वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट था, अभी तो यूट्यूब और ये MX प्लेयर वगैरह वायरल हो गया है, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी। उसके बाद लिटिल बॉय मेरी रिलीज़ हुई लास्ट ईयर, वो भी रियल सब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ पे एक छोटा बच्चा जो 7 साल का था, जब उसका बाप मर जाता है तो वहाँ से उसका स्ट्रगल, और आज वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा। तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द फिल्म जो हम लोग कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज जाता है। लास्टली ये जानना चाहूँगी नॉर्थ ईस्ट से मतलब ताल्लुका था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनका क्या मतलब बॉलीवुड को लेकर या हिंदी फिल्म को लेकर क्या उनका रवैया? नहीं देखिए, नॉर्थ ईस्ट मैंने मेघालय में शूट किया, TMO अभी आने वाली रिलीज़ होने वाली है, मेघालय में शूट किया था, शिलोंग चेरापुंजी में। लिटिल बॉय मैंने अरुणाचल में शूट किया था, और नागालैंड में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है मैकेनिक दादा, तो वहाँ के जो जितना इंटरेक्शन मेरा 10 साल 12 साल से। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारा फाइन स्टूडियो बैनर है जो रबेका मैम का, इस मंथ 10 साल पूरे कर रहे हैं, और हमने एक छोटे से स्टूडियो मोतीलाल नगर में एक स्टूडियो से स्टार्ट किया था, और आज हम करीब 7 से 8 मूवीज़ हम बना चुके हैं। तो वहाँ के लोगों को जब मैंने वहाँ पे जब इंटरेक्ट किया तो उन लोग फ़ैन हैं बॉलीवुड के, हर आदमी हिंदी गाना जानता है, मतलब एटलीस्ट गा नहीं पाता तो वो जानता है पूरे गाने, आप ऐसे ऐसे गाने जो हमको नहीं मालूम है उनको मालूम है। थैंक यू। मैम पहले तो कर्चरी की ओर जाना चाहूँगा, बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस किया आपने और बिल्कुल सूट कर रहा है जो भी एल्बम है, तो कैसा मैं मेकअप आती हूँ? हाँ, मेकअप तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस था? या पहले तो मैं नाम बताऊँगी, मैं नाजमा शेख हूँ, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, और मैं सऊदी से हूँ तो वहाँ का टच है मेरे, मतलब मेरे अंदर। और किस तरह से आपने वो सोचा, किस तरह से मेकअप करना है यार, और चैलेंज? हाँ, चैलेंज तो था एक्चुअली, सर को थोड़ा मतलब उनके मुकाबले करना था तो थोड़ा सॉरी तो प्लीज ओके 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 ठीक है ना।